आगे बढ़ते हैं और अब बात निकाय चुनाव की कर लेते हैं। बता दें आपको, छिंदवाड़ा में शिवराज सिंह चौहान का जादू चला है। छिंदवाढ़ा जो कि पीसीसी चीफ कमलनाथ का गढ़ है, लेकिन यहां पर बीजेपी का परचम लहराया है। कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, ये बड़ी खबर। नगरपालिका सौसर में कांग्रेस का एक भी पार्षद नहीं जीता है। छिंदवाड़ा जिले के 6 निकायों में 4 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2 जरूर कांग्रेस यहां पर 2 गढ़ों को अपने नाम करने में कामयाब हुई है। 2 सीटें कांग्रेस ने अपने नाम कर ली। 3 नगरपालिका परिषद में बीजेपी की जीत हुई है। 1 नगरपालिका परिषद में कांग्रेस की जीत हुई है। बता दें आपको, छिंदवाड़ा यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिन्होंने ताकत झोंकी थी और प्रचार प्रसार लगातार किए गए थे, ऐसे में उसका परिणाम भी देखने को मिला। छिंदवाड़ा जिसे कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, और कमलनाथ ने भी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, जमकर प्रचार उन्होंने किया था, लेकिन जनता का जो फैसला है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। कमलनाथ के गढ़ में शिवराज का जादू चला है। तो मध्य प्रदेश के 46 निकायों में काउंटिंग हो रही है, और ऐसे में आपको बता दें कि कमलनाथ के क्षेत्र में छिंदवाड़ा में बीजेपी ने पालिका और परिषद दोनों ही छीन ली है। ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। 18 जिलों की 46 नगरीय निकाय, 17 नगर पालिका इसमें शामिल है, 29 नगर परिषद, जिसके परिणाम आज आ रहे हैं। सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे तस्वीरें अब साफ भी होती जा रही है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा जिले की मोहगांव नगर परिषद भाजपा ने कांग्रेस से छीन ली। यहां 9 सीटों पर भाजपा और 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। सौसर नगर पालिका में भी भाजपा को बहुत मत मिला है। 15 वार्ड में से 14 बीजेपी ने जीत ली है, हालांकि 1 निर्दलीय बीजेपी का भागी उम्मीदवार यहां पर जीता है। तो ये तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है, जहां बीजेपी फिर परचम लहराती हुई नजर आ रही है। 3 नगर पालिका परिषद में बीजेपी की जीत हुई, 1 नगर पालिका परिषद में कांग्रेस की जीत हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, प्रचार प्रसार जमकर यहां किया गया था, जनसभा को संबोधित किया था मुख्यमंत्री ने, और उसका परिणाम देखने को भी मिल रहा है। चलिए, न्यूज एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, कैसे देखते हैं आप इन परिणामों को? कमलनाथ के गढ़ में शिवराज ने परचम लहराया है। देखिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है जब आप किसी दिग्गज नेता के गढ़ में, जो परंपरा से एक पार्टी का गढ़ रहा है छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें, तो वहां कमल ने बहुत कोशिश की बीजेपी ने कि उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ वहां बढ़े, लेकिन वहां दूसरे जो कांग्रेस के कमल हैं यानी कमलनाथ जी, उनके आगे कभी किसी की चली नहीं। लेकिन बीजेपी ने जो पसीना बहाना वहां पिछले लोकसभा चुनाव से शुरू किया, और जिसके चलते नकुलनाथ जी की जीत का मार्जिन 40,000 तक सिमट गया, वो ये बताता है कि बीजेपी, आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में गुना लोकसभा सीट जो कांग्रेस की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की परंपरागत सीट थी, और उस समय सिंधिया जी कांग्रेस में थे, उस सीट को जीतने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी, और सिर्फ मध्य प्रदेश की जो टोटल लोकसभा सीट है उसमें सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब रही, और वो छिंदवाड़ा। तो काफी महत्वपूर्ण है ये नतीजे। शिवराज जी ने खूब पसीना बहाया, छिंदवाड़ा पर बहुत फोकस किया, और आखिर उसका ये नतीजा सामने आया है। जिस तरह से हम सिचुएशन देख रहे हैं कि अगर बात करें पांडुरना को छोड़ दें, तो सौंसर में 14 सीट बीजेपी को मिली है नगर पालिका में। जुन्नारदेव में अगर बात करें तो वहां भी भाजपा कांग्रेस से आगे है, 11 सीट उसने हासिल की है नगर पालिका जुन्नारदेव में। नगर परिषद दमुआ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच नेक टू नेक मुकाबला रहा है, 9 सीटें बीजेपी की हैं, 8 कांग्रेस की हैं। नगर परिषद मोहगांव में अगर हम बात करें तो वहां बीजेपी की लीड है, 9 सीटों पर वो आगे रही और कांग्रेस 6 तक। नगर परिषद हटी में बात करें तो वहां जरूर कांग्रेस ने 3 सीट हासिल की है, 13 सीटें ली हैं और बीजेपी को 1 सीट मिली है। लेकिन ये नतीजे बताते हैं कि बीजेपी जो परिश्रम कर रही है वहां, वो निश्चित तौर पर, और कमलनाथ जी की भी जिस तरह प्रायोरिटी अब पूरा मध्य प्रदेश है, तो वो भी उतनी तवज्जो अब छिंदवाड़ा की तरफ नहीं दे पा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब सेनापति वहां से हटता है, जहां 40 साल तक वो रहे हैं,
वहां से जब वो हटते हैं तो वहां के जो स्थानीय कांग्रेस के नेता और लीडर्स होते हैं उन सबके मन पर मनोबल पर भी असर पड़ता है। और हमेशा से बीजेपी की यह रणनीति रही है कि कमलनाथ जी किसी तरह छिंदवाड़ा से हटे, लेकिन अब वो पूरे मध्यप्रदेश की तरफ उनकी तवज्जो है। लेकिन ये नतीजे काफी महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए मुस्कुराहट का बेहिचक सबब है। सर, एक सवाल और मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूंगी कि आखिर जनता के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, आप क्या उसे समझा सकते हैं, और ये चुनाव आने वाले वक्त में जो 2023 का चुनाव होना है कितना उस पर असर डालेंगे? बहुत जल्दी होगा जया इस पर कोई टिप्पणी करना जी। जनता के मन में क्या है ये ईश्वर ही जानता है और स्वयं जनता जानती है जी। कोई नतीजा भी अभी निकाल कर किसी कंक्लूजन तक पहुंचना भी बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना नतीजा जरूर निकाला जा सकता है कि बीजेपी जो परिश्रम कर रही है जी। जिस तरह से उसने फोकस्ड होकर चुनाव लड़ा, क्योंकि इसके पहले जो हमने देखा नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव थे वहां बीजेपी से कुछ चूक हुई थी, हालांकि वहां भी उसका दबदबा था जी। लेकिन कुछ जगह प्रत्याशी चयन और भितरघात के चलते नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उससे सबक लेते हुए ये जो एक छोटा सेगमेंट था पंचायत और नगर परिषद के नगर पालिका के चुनाव का, वहां बीजेपी ने एकजुट होकर पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और महाकौशल अंचल, यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि कमलनाथ जी के गढ़ में भी वो अपना परचम फहराने में कामयाब रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद जी इस खबर को इतने विस्तारपूर्ण तरीके से समझाने के लिए। तो देखिए, कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगाई है।